हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? देखिए, ये मैंने जो सूजी की कचरी बनाई है, बहुत सरल तरीके से बनाई है। और अब मैं से देखिए एकदम करारी टाइप की, और इसे मैं आपको तल के दिखाती हूँ। ये तेल गरम हो रहा है और इसमें मैं ये कचरी डालूंगी। ये देखिए खुली खुली बड़ी अच्छी सी बन रही है। बहुत ईजी बनी है। और देखिए अपने घर में बनाई हुई है, आप भी जरूर बनाइएगा। और ये देखिए देखिए अच्छी सी क्रंची टक्की, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। और कैसे करके हमने बनाई है, आइए बताते हैं। ये कचरी बनाना, और ये आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करिएगा। देखिए बड़े करंची बनी हुई है एकदम, ये देखिए। और ये आप चाय के साथ लीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। जी की कचरी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ये सूजी लिया है, इसे रवा भी बोलते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से ये छन्नी से छान लेंगे। मैंने पहले भी बताया होगा ये वीडियो में, क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है, तो ये मैं सूजी यानी रवा की कचरी बना रही हूँ। तो इस रवा हमने ये सूजी छान ली है। अब इधर हम इसमें पानी गर्म करेंगे। इधर ये पानी हमारा खोल रहा है, तो इसमें डाल देंगे हम ये स्वाद अनुसार नमक, और ये एक चम्मच अजवाइन है। इसे हम हाथों से ऐसे क्रश कर लेंगे और ये पानी में मिला देंगे। और ये मैंने यहाँ पे ये 250 ग्राम सूजी ली है, और ये 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी है, तो इसे हम पहले थोड़ा अच्छे से उबलने देंगे पानी को। देखिए पानी खोल गया है और अच्छे से उबला, तो हम धीरे धीरे ये रवा इसमें डालेंगे यानी सूजी, और चलाते रहेंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके चलाते रहेंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। और इसे अब अच्छे से चलाते रहें जब तक ये पक न जाए। देखिए और ये अच्छा सा पक गया, ये देखिए गाढ़ा थिकनेस हो गया, और इसमें लम्स भी नहीं बने, कोई गुठली यानी कि गांठ गुठली कुछ नहीं बनी है। और अच्छे से इसे हमें चलाते रहना है। आप चाहे तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, मगर मुझे ये इसका वाइट कलर ही अच्छा लगता है, तो मैंने कोई कलर नहीं डाला इसमें। अब ये देखिए अब कर देंगे हम गैस बंद। कैसे करके कचरी बनानी आइए बताती हूँ। इसको हल्का ठंडा होने देना है। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने ये पन्नी ली है रिफाइंड ऑयल की, फॉर्चून तेल की। तो अब इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके ये रवा भर देंगे, ये सूजी का जो बना रखा हमने घोल तैयार किया हुआ कचरी के लिए। इसको हम ऐसे करके इसमें भर देंगे, ज़रूरत के हिसाब से देखिए ऐसे करके। और यहाँ पे हम ऐसे इसे किसी चीज़ से बांध देंगे, या ना बांधे, गर्म है। और इसे हम हल्का सा कैंची से कट लगा देंगे। और आइए बताती हूँ कैसे करके इसके, धूप लगी है बाहर, धूप पर मैं इसे फैलाऊंगी। धूप लगी है अच्छी सी, और यहाँ पर मैंने ये पन्नी बिछाई है। आप चाहे कोई कपड़ा हो, साड़ी का साड़ी भी बिछा सकते हैं, मेरे पास ये पन्नी है थोड़ा सा, तो मैं इसमें बनाऊंगी कैसे करके बनाना है। ये देखिए आप कोई सा भी शेप दे दीजिएगा। शाम तक यानी अच्छी धूप रही तो शाम तक ये बन के रेडी हो जाएंगे। गर्म है तो आप कपड़े की सहायता से पकड़ लीजिएगा। और आप चाहे तो ऐसे डिजाइन भी बना सकते हैं। ये देखिएगा ऐसे इजी तरीका इसका, ये गोल से भी अच्छा लगता है, जल्दी भी बन जाता है। तो ये देखिए बन के सारे रेडी हो गए, ये बना लिए मैंने। अब ये सूखेंगे थोड़ा शाम तक, 3-4 घंटे में सूख जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारी सूजी की कचरी बन के रेडी हो गई, और देखिए कितने अच्छे से सूख गई है।
मैंने कहा ना 4-5 घंटे में सूख जाएगी क्योंकि तेज धूप थी। और ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है, एकदम बिल्कुल करारी करके सूख गई है और बहुत सरल तरीके से बनी है। और आप भी इसे जरूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा, लाइक सब्सक्राइबर करिएगा, धन्यवाद। इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, बिल्कुल सिंपल सी है सूजी की कचरी। और बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा, धन्यवाद, बाय बाय।